हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे कुकरी शो में। मैं पीयूजाना मिश्रा आप सबके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है फिश फ्राई। नॉन वेजिटेरियन लोग इसे चाव से खा सकते हैं स्टार्टर के रूप में। फिश फ्राई बनाने की आवश्यक सामग्री है बोनलेस फिश, लेमन जूस, ब्रेड क्रम्स। फिर आती है बारी मैरिनेट की। मैरिनेट की सामग्री है अंडा, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अदरक का पेस्ट, टमाटो केचप, हरा धनिया, नमक, मेयोनेज, विनेगर, फाइनली चॉप्ड ककुम्बर एंड ऑनियन। फिश फ्राई बनाने के लिए पहले हम मैरिनेट करेंगे फिश को। सो ये है हमारा बोनलेस फिश जिसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस, स्वादानुसार नमक, टमाटो केचप, अदरक का पेस्ट। अब एक अंडा, हरा धनिया, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि सारा मसाला पूरे फिश में मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा मैरिनेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। आधे घंटे के लिए हमने साइड में रखा हुआ है, उसी दौरान हमें टार्टर सॉस बनाना है। और टार्टर सॉस कैसे बनाते हैं आइए मैं दिखाती हूँ। आपको एक बाउल लेना है, बाउल में आपको थोड़ा सा सिरका डालना है। आप सिरका व्हाइट विनेगर भी यूज कर सकते हैं या फिर ब्राउन विनेगर भी यूज कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। उसमें मैंने व्हाइट विनेगर यूज किया है। इसमें मैं फाइनली चॉप्ड ककुम्बर और फाइनली चॉप्ड ऑनियन डाल रही हूँ। एक खीरा और एक प्याज देना है, इसको अच्छे से मसलना है। अब हमारा मैरिनेशन कंप्लीट हो चुका है, इसे हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमने सरसों का तेल लिया है। ये है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स को इस तरीके से फैलाना है। सो अब ये जब तक अच्छे से गर्म हो हमें इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में मिक्स करना है, अच्छे से प्रेस करके इस तरीके से एक एक साइड में रख देना है। सेम प्रोसेस पूरे फिश में करना है। ब्रेड क्रम्स को अब हमने फ्राई करने के लिए अच्छे से फिश को ब्रेड क्रम्स से ओवर कोटिंग कर दिया है। वन बाय वन हम इसे डीप फ्राई करेंगे। और एक बात, आप सरसों के तेल के बदले कोई और भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल या फिर आप जो भी सनलाइट ऑयल है आप यूज कर सकते हैं। हमारा फिश अभी फ्राई हो रहा है, सो उसी वक्त हमें थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज कर लेना है, जो कि हमने टार्टर सॉस के लिए हमने सिरका में जो खीरा और प्याज फाइनली चॉप्ड हमने भिगो के रखे थे। अब 10 मिनट ओवर हो चुका है, उसको अच्छे से इस तरीके से मसलना है। और मसलने के बाद अब मैं विनेगर पूरा निकाल दूंगी। आपको पूरी तरह से निचोड़ देना है, थोड़ा सा भी विनेगर नहीं रहना चाहिए। काफी सूखा सूखा हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मेयोनेज़।
ये हमारा बन गया टार्टर सॉस। ये हमारा फिश फ्राई हो चुका है अच्छे से, सो इसे अब हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। लेट्यूस लीव या सैलड लीव से हमें अच्छे से सजाना है, जो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। सो एक के बाद एक हमें इस तरीके से सर्विंग प्लेट में निकाल लेना है। सी द कॉम्बिनेशन, कितना प्यारा लग रहा है। अब हमारा फिश फ्राई रेडी हो चुका है। इसको सर्व करने के लिए हमने जो टार्टर सॉस बनाया है, इसको इस तरीके से हमें सर्व करना है।